Most welcome all of you. This is Flora Academy and I am GL Batham. You are studying A Triumph of Surgery. This chapter is taken from 10th class. So listen carefully. Our first question is, why is Mrs. Pamphrey worried about Tricky? Tricky यहाँ पे कुत्ते का नाम है. Pamphrey Tricky के बारे में चिंतित क्यों है? Answer: Mrs. Pamphrey is worried about Tricky. Mrs. Pamphrey जो है वो Tricky के बारे में चिंतित है. Because क्योंकि he happened to be tired. It means वह थका हुआ है and inactive है और वो सक्रिय नहीं है. It seemed उसे देखकर मतलब ऐसा लगा. It seemed he had no energy. उसमें किसी प्रकार की कोई भी शक्ति ऊर्जा नहीं थी. Our next question है second. What does she do to help him? मतलब she Pamphrey जो थी उसकी मदद करने के लिए क्या करती है? Is she wise in this? क्या ऐसा करने में वो अपनी बुद्धिमता दर्शा रही है? Answer: She gave him some extra food. वो उसे कुछ एक्स्ट्रा फूड दिया करती थी. To replenish his lost energy. मतलब उसकी खोई हुई एनर्जी को replenish वापस लाने के लिए. She gave him malt. उसे malt दिया करती थी मतलब जौ. And cold liver oil दिया करती थी. And a bowl of Horlicks. और Horlicks का एक कटोरी दिया करती थी. In order to make him sleep. उसे सुलाने के लिए. After that, is she wise in this? क्या वो इसमें अपनी बुद्धिमता दिखा रही थी? नीचे No, she is not wise. वो बुद्धिमान नहीं है in this इस चीज़ में. Because क्योंकि all this overfeeding, क्योंकि ये क्या है सब overfeeding है मतलब अधिक भोजन देना है ये. और overfeeding जो made him terribly sick, उसे भयानक रूप से उसे बीमार कर दिया है. अब थर्ड क्वेश्चन इज हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. इस कहानी में जो आई जो है वो किसके लिए आया है? योर आंसर इज इन दिस स्टोरी. इस कहानी में आई रेफर्स टू द ऑथर ऑफ दिस एपिसोड. इस एपिसोड का जो लेखक है उसके लिए आई आया है. मिस्टर जो हैरियोड जो है अ वेटरी सर्जन है मतलब वो पशु चिकित्सक है. हु क्योर्ड मिसिस पेम्फ्रीज पेट डॉग. क्योंकि उन्होंने मिस्टर पेम्फ्री के पेट डॉग को मतलब पालतू कुत्ते की मदद की है उसका इलाज किया है जिसका नाम है ट्रिकी. योर फोर्थ आंसर इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. क्या नरेटर लेखक जो है वो ट्रिकी कुत्ते की मालकिन की तरह ही धनवान है? योर आंसर इज नो. नहीं. द नरेटर डजंट सीम. लेखक नहीं लगता है टू बी एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. जैसी ट्रिकी की मालकिन धनवान है वैसा. बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट एफोर्ड टू टेक एग. क्योंकि वो एग नहीं खा सकता एफोर्ड नहीं कर सकता. एंड वाइन शराब नहीं पी सकता है ड्यूरिंग द मील खाना खाते समय. योर फिफ्थ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ही ट्रीट द डॉग हैरियट. यहाँ पर कुत्ते का किस प्रकार से इलाज करते हैं? आंसर है ही ट्रीट्स द डॉग बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन. मतलब वो अपने ही ऑब्जर्वेशन अपने ही देखरेख में रखते हैं उसको. गिविंग हिम नो फूड. उसे भोजन नहीं देते हैं बट प्लेंटी ऑफ वाटर. लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पानी. पानी देते रहते हैं फॉर टू डेज. दो दिन के लिए. लेटर बाद में ही कीप्स हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. बाद में उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देते हैं जितनी देनी चाहिए. एंड गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. और बहुत उसे एक्सरसाइज करवाते ताकि स्वस्थ हो जाए. नेक्स्ट वन व्हाई इज ही टेम्पर टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट. यहाँ पे जो डॉक्टर है वो ट्रिकी को डॉग को परमानेंट गेस्ट के रूप में घर में रखने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? टेम्प्टेड मतलब प्रेरित हो जाता है. योर आंसर इज ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. वह ट्रिकी को
परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए प्रेरित होता है। बिकॉज क्योंकि दिस एंश्योर्ड अ सप्लाई ऑफ फ्रेश एग एंड बॉटल ऑफ वाइन, क्योंकि उसका यहाँ पर रहना, कुत्ते का रहना, उसे रोजाना फ्रेश एग मिलते थे खाने के लिए एंड बॉटल ऑफ वाइन और एक शराब की बॉटल मिला करती थी पीने के लिए। फ्रॉम मिसेस पेम्फ्री के घर से आया करती थी टू हिज हाउस, उस वेटरनरी डॉक्टर के पास, विच ही एंजॉयड, और उसका वो आनंद लिया करता था इमेंसली ड्यूरिंग हिज मील, खाना खाते समय भरपूर मात्रा में इमेंसली। योर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेस पेम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पे जो मिसेज पेम्फ्री है वो डॉग्स की जो रिकवरी है उसका स्वस्थ जो होना जो है वो ऐसा सोचती है कि ये एक अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब शल्य चिकित्सा के द्वारा विजय हासिल की गई है। आंसर, मिसेज पेम्फ्री इज पेट डॉग जो है ट्रिकी, इसका नाम है, इज हॉस्पिटलाइज्ड एट द सर्जरी, मतलब जहाँ पर शल्य चिकित्सा होती है वहाँ पर उसको भर्ती किया गया हॉस्पिटल में, ऑफ द वेटनरी सर्जन के पास जिनका नाम है मिस्टर हैरियट। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल्स। 2 सप्ताह में ट्रिकी को लचीले हार्ड मसल में बदल दिया जाता है। और जो मिसेस पेम्फ्री जो है थिंक्स वो ऐसा सोचती है कि दैट ट्रिकी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय सर्जरी, ट्रिकी को ये जो रूप दिया गया है वो सर्जरी के द्वारा दिया गया है। देयरफॉर शी थिंक्स सो, इसलिए वो ऐसा सोचती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर जो लेखक जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति है जो कि अ वेटनरी सर्जन है। वुड यू से ही इज टैक्टफुल, क्या आप ऐसा कहेंगे कि वो टैक्टफुल है, मतलब कौशल से पूर्ण है, एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, और वो समझदार सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति भी है। आंसर, द नरेटर इज अ स्किल्ड वेटनरी डॉक्टर, नरेटर जो है वो कौशल से परिपूर्ण है। ही टैक्टफुली लिसन अबाउट ट्रिकीज अनहेल्दी कंडीशन, वो बड़े ही कौशलता के साथ अनहेल्दी ट्रिकी की कंडीशन के बारे में सुनता है। बट ही नोज, लेकिन वो जानता है वेल अच्छे तरीके से हाउ टू टैकल द केस, इस केस को कैसे टैकल करना है। ही इज़ फुल ऑफ कॉमन सेंस, उसमें सूझबूझ है। दैट इज़ वाई, इसलिए ही सक्सीडेड इन ट्रीटिंग, उसे ट्रीट करने में, उसे सही करने में सफल हो जाता है ट्रिकी को विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई दिए हुए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, क्या ट्रिकी घर जाने में बहुत ही खुश था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ। आंसर, ट्रिकी वॉज इमेंसली एलेटेड टू गो होम, ट्रिकी घर जाने के लिए बहुत ही प्रसन्न था। नाउ ही विल बी अगेन अलाउड टू ओवर ईट, अब उसे फिर से ओवर ईट की परमिशन दे दी जाएगी। एंड विल अगेन फॉल इल, ऑफिस से द्वारा बीमार पड़ जाएगा ओइंग टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज के अभाव में, एंड ओवर ईटिंग के कारण एट मिसेस पेम्फ्रीज हाउस, मिस्टर पेम्फ्री के घर पर।